Good morning, dear students. I hope you all are good. So today we will continue chapter 9, algebraic expressions and identities of class 8 maths. So our today's topic is identities. आज हम identities को study करेंगे. मैंने अपनी last videos में आपको algebraic expressions को add करना, subtract करना and multiply करना सिखाया था. आज हम identities को discuss करेंगे कि identities होती क्या हैं और इनको कैसे apply किया जाता है. So our first identity is suppose you have a plus b and a plus b. आपको यहां पर two expressions given हैं two brackets में. Okay, और दोनों कैसे हैं? Plus sign के साथ हैं. So उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जब अगर आपके दोनों ब्रैकेट में दोनों एक्सप्रेशन सेम हो और उनका बीच का जो साइन है वो भी सेम हो तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर. ओके, सो नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा? देखिए, ये इक्वल होता है आपके ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. आइडेंटिटीज का मीनिंग होता है काइंड ऑफ फॉर्मूला. तो एक तरीके से ये क्या है? आपका फॉर्मूला. ओके, सो नाउ अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है? देखिए, सपोज आपको गिवन है एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस थ्री. ओके, ये दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है तो यहां पर हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. तो कैसे होगा? यहां पर देखिए, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे हम इसको? एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, राइट? अब अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे. यहां पर a था और यहां पर x है, यहां पर b था, यहां पर 3 है. इट मीन्स जो a की वैल्यू है वो x है, यानी कि x जो है वो a की तरह वर्क करेगा और b जो है वो 3 है. इट मीन्स जो 3 है वो b की तरह वर्क करेगा. सब इसको हम ओपन कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या है आपका? ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मीनिंग एक्स स्क्वायर. सो यहां पर हम एक्स का स्क्वायर कर देंगे प्लस टू. मल्टीप्लाई है ये, टू ए बी का मीन्स ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है. सो ए क्या है यहां पर? एक्स. एंड बी क्या है यहां पर? थ्री. प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स थ्री का स्क्वायर. अब देखिए, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर होता है या वेरिएबल का स्क्वायर होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसकी टू टाइम्स मल्टीप्लाई. सो जब हम एक्स की टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहां पर? एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स एक्स प्लस थ्री थ्री जा नाइन. ओके, थ्री की टू से मल्टीप्लाई नहीं होगी, थ्री की टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगी. सो वी विल गेट थ्री थ्री जा नाइन. सो ये आपका एक्सप्रेशन सॉल्व होके आ चुका है. नाउ अब हम अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी को देखेंगे, वो क्या होती है. अभी तो आपको यहां पर ब्रैकेट में दोनों एक्सप्रेशन जो थे वो प्लस में गिवन थे. सपोज आपको अब गिवन हो a माइनस बी एंड a माइनस बी, दोनों कैसे हैं? नेगेटिव में है तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर. ओके, अब ये कैसे ओपन होगा आपका? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. पॉजिटिव वाले में यहां पर प्लस टू ए बी था, बस यहां पर क्या चेंज है? माइनस टू ए बी हो जाता है यहां पर. सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है बी माइनस सेवन मल्टीप्लाई बी माइनस सेवन. अब इसको हम कैसे आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बी माइनस सेवन का होल स्क्वायर, राइट? अब ऊपर क्या था आपका? ए माइनस बी का होल स्क्वायर. इट मीन्स जो यहां पर ए की वैल्यू है वो बी है और जो बी की वैल्यू है वो क्या है? सेवन. अब इसको हम ओपन करते हैं. देखिए, ओपन कैसे होगा? ए स्क्वायर, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई ए की जगह क्या है यहां पर? बी. एंड बी की जगह क्या है यहां पर? सेवन. प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स सेवन का स्क्वायर. सो बी स्क्वायर माइनस टू सेवन जा फोर्टीन, फोर्टीन बी प्लस सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन. ओके, सो कभी भी अगर आपके पास टू एक्सप्रेशन गिवन हो लेकिन दोनों जो है वो सेम होने चाहिए, ए माइनस बी ए माइनस बी, और दोनों के बीच माइनस का साइन होना भी जरूरी है, तो ये वाली आइडेंटिटी आप वहां पर अप्लाई करेंगे. नाउ अब हम अपनी थर्ड आइडेंटिटी को देखेंगे. इसमें आपको एक एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ होगा और एक आपका नेगेटिव साइन के साथ. तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन गिवन हो तो उसमें क्या होगा आपका? आइडेंटिटी जो होगी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी. ओके, सपोज आपको गिवन है यहां पर वाई प्लस टू एंड वाई माइनस टू, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है. अब आपको इसको इस आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करना है. तो देखिए, यहां पर
ए की वैल्यू क्या है यहां पर y और यहां पर भी y, b की वैल्यू 2 2। सो अब इस आइडेंटिटी में हम रखेंगे इसको, कैसे हो जाएगा ये देखिए, ए स्क्वायर इट मीन्स ए की वैल्यू क्या है y, सो y का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 2, सो 2 का स्क्वायर। ओके सो अब कैसे हो जाएगा ये y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 4। ओके तो ये थी आपकी थर्ड आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी में दोनों प्लस थे, सेकंड आइडेंटिटी में दोनों माइनस थे, और थर्ड आइडेंटिटी में दोनों कैसे हैं आपके, एक प्लस है और एक माइनस है। नाउ आपकी नेक्स्ट एंड लास्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। सपोज आपको ऐसे दो एक्सप्रेशंस गिवन है, सो देखिए इनको कैसे करेंगे आप। यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, यहां ए है, यहां बी है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से ओपन होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ओके अब देखिए इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज आपको गिवन है 501 मल्टीप्लाई 502। अब ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ये इसको तो मैच नहीं करता है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको अब इसके अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे। सो देखिए आप 501 को आप कैसे लिख सकते हैं 500 प्लस 1, एंड 502 को आप कैसे लिख सकते हैं 500 प्लस 2। ओके नाउ आप देख सकते हैं x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी। ओके सो यहां पर x की वैल्यू क्या हो गई 500 एंड a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2। अब हम इस आइडेंटिटी में इसको पुट करेंगे, सो देखिए कैसे होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है आपका यहां पर 500, इट मींस 500 का स्क्वायर। नाउ प्लस एक्स क्या है आपका 500, ए प्लस बी इट मींस 1 प्लस 2। नाउ प्लस ए बी इट मींस 1 मल्टीप्लाई 2। ओके सो नाउ 500 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, देखिए 500 का स्क्वायर मींस 5 5 से 25, एंड जो जीरोस हैं ये कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके डबल हो जाएंगे, इट मींस 4 हो जाएंगे। सो 1 2 3 4। नाउ प्लस 500 के मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 3 से, बिकॉज 2 प्लस 1 3, प्लस 2 1 2, से हो जाएगा आपका प्लस 3 5 15 प्लस 2। अब आप इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा यहां पर 251,502। ओके सो ये थी आपकी लास्ट आइडेंटिटी। आई होप आपको ये आइडेंटिटीज को यूज करना समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स विद दिस आवर चैप्टर 9 इज फिनिश्ड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, इफ नॉट देन गो थ्रू ऑल द वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर वंस अगेन। थैंक यू।